हो गई हम लोगों गेहूँ बिक रहा है। जल्दी अरे कपड़ा सब फैलाओ, कपड़ा वपड़ा सब फैलाओ, जल्दी 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 बिक रहा है। बहुत धूल भरी आंधी में भी बहुत शानदार मजा आ रहा है। दोस्तों मैं ये बात कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हम लोगों के यहाँ पिछले जो है कि करीबन 10 दिनों से लाइट नहीं है, तो कभी मोबाइल हमारा चार्ज हो रहा है, कभी नहीं चार्ज हो पा रहा है, कभी हम शूट कर पा रहे हैं, कभी नहीं शूट कर पा रहे हैं। और इसी बीच में मेरी बड़ी बच्ची की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं उसके दिखाने में इतना व्यस्त था कि मैं उसको नहीं ले पाया ब्लॉक के अंतर्गत, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे वहाँ पर कि हम लोग शूट नहीं कर पाए, क्योंकि हम और पत्नी दोनों लोग व्यस्त रहे उसी चक्कर में। तो मेरे ब्लॉक्स काफ़ी लेट जा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन के एक एक ठे जा रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग होगा उसमें जो है कि 19, 20 और 21 तारीख 3 दिनों का होगा, लेकिन उसमें उसकी बीमारी को हम नहीं दिखा पाए। जो स्वस्थ होने के बाद कुछ चीज़ें थोड़ा सा उसके मन में हम लोग चाह रहे हैं कि किस तरह से वो खुश रहे, अच्छा रहे, थोड़ा सा उसके साथ कुछ इस तरह से मतलब कि मतलब काफ़ी दिनों से बच्चे के साथ रहते रहते कुछ अलग तरीके से थोड़ा सा उसका सर में बहुत तेज़ पेन होने लग रहा है, तो उसी चक्कर हम लोग पड़े रह गए थे। तो प्लीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा और आगे पूरा देखिए कि इन 3 दिनों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है और हमने क्या क्या किया है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मैं ये ब्लॉग अभी आज मैं डाल रहा हूँ, इसके लिए मैं पूरी कहानी के लिए मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और रात को थोड़ी सी जो एक सोलर लाइट है यहाँ पेड़ के नीचे मैं खड़ा होकर के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में लग चुके होंगे। एक्चुअली दोस्तों मैं सुबह नहा चुका हूँ, अब पूजा करने जा रहा था जल्दी से, क्योंकि अब देखिए 7 बजने वाला हो गया। कितना भी जल्दी आप जगिए तो फिर कहानी वही है, क्योंकि ना लाइट है ना कुछ है ना कुछ है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ पर सब लोग अपना बेड लगाए थे बाहर जो है कुछ इस तरह से, और हम लोग तो ये देखिए ये सुबह सुबह क्या है, आपको लग करके दिखाई तो बहुत ही अलग कलरफुल में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखने में इतना प्यारा है ना, अंदर से उतना ही कड़वा है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे ही होती हैं जीवन में जो बाहर से बहुत ही हसीन होती हैं लेकिन अंदर से बिगड़ी हुई मशीन होती हैं। ठीक है, तो ये जो है कि जो ये कहानी है ये कुछ इस तरह का है, मतलब सेंस ये है कि ये बाहर से बहुत प्यारा दिख रहा है, कलर इसका बहुत प्यारा दिख, लेकिन अंदर जो है कि सब कुछ बड़ा दिक्कत है। अंदर जानते हैं क्या, इसमें है नीम की पत्ती और साथ ही साथ कच्ची हल्दी, माने हल्दी को हम लोगों ने उखाड़ा है और वहाँ से हमें प्राप्त हुई हल्दी जो कच्ची होती है, क्योंकि बाकी तो हल्दी मार्केट में आती है तो उसको पका करके उबाल करके आता है, तो वो हल्दी नहीं, कच्ची हल्दी, और उसको हमने उबाल दिया। उबालने के बाद जो है कि इसका जो सत्व मिला, यानी कि काढ़ा कह सकते हैं, इसको हम लोग कसायम कहते हैं, उसको मैं ले रहा हूँ। और ये मैं 2 दिन तक लूँगा लगातार, सप्ताह में 2 दिन मैं लेता हूँ अलग अलग तरीक़ों से। और ये देखिए ये इसमें जो है कि ये श्रीमती जी के लिए भी है और ये बड़ी मुश्किल से पीती हैं ये तो जब सब लोगों का मुंह का मिजाज बदलता है। अब थोड़ा ले रहे हैं टेस्ट, देखते हैं कि मुंह का मिजाज कैसा हो रहा है, और थोड़ा आपके मुंह का मिजाज भी देख लिया जाए, आपका भी देख लिया जाए, तो आप तो नहीं बनाएंगे, मम्मी का भी थोड़ा मुंह का मिजाज देख लिया जाए। क्या बात है, आप अपने मुंह का मिजाज दिखाइए, अभी ये सोचेंगी कि कैसे पीऊं मैं, उधर वो मेरा रखा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे पीऊंगी। पीजिए 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 पीजिए, अंदर सांस रोक लिया गया है क्योंकि वो खत्म करना है, इधर ये छोटू और इनको नहीं पीना है, ये तो अभी सो के उठी हुई है। देख रहे हैं तो गाड़ी का चेहरा कैसा बन रहा है वो दिखा रहे हैं। हाँ मैं दिखा दूंगी, चलिए चलिए आप, लेकिन थोड़ा मेरा थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, मैं चाय जैसे बिल्कुल नहीं पी सकती हूँ, थोड़ी देर बाद ही पीऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स अभी मेरी बारी है, मैंने बोला था ना मैं थोड़ा ठंडा करके पीऊंगी, बट पापा ने जिद, मतलब पापा ने क्या, फिर मैंने बोला ठंडा करके क्या पीना, जैसे भी पीना है पीना ही है, लेट्स सी मेरा मुंह बनता है या नहीं, मेरा मुंह बनेगा ही बनेगा मुझे पता है। बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है, बहुत ही गंदा लगता है, दूधू को गंदा नहीं लगता, कड़वा लगता। बाबू दूधू को फिनिश कर दो। यहाँ मुंह थोड़ा बहुत बन रहा है लेकिन आदमी अपने हंसी से रोक ले रहा है, अब ऐसा लग रहा है या तो सटक्के से पूरा पी जाओ और नहीं तो फिर गुट गुट करके चाय जैसे तो मेरे से पिया नहीं जाएगा, मेरी आँख ही नहीं खुल रही, बहुत कड़वा है, मतलब हल्दी का टेस्ट है, नीम तो हमने पिया ही है लेकिन ये कच्ची हल्दी और नीम जो मिल गया है ना,
आई थिंक बॉडी के लिए बहुत अच्छा। क्या तूफान है, क्या मौसम है, क्या मजा है, गजब लग रहा है। बहुत धूल भरी आंधी में भी बहुत शानदार मजा आ रहा है। तो खूब शानदार लग रहा है कि आसमान को ऐसे अपने हाथों में आके आगोश में ले लिया जाए। जबरदस्त मजा है दोस्तों, भी आ गई और सब लोग जो है केवल एक सुकून का अनुभव कर रहे हैं, एक अलग तरीके का ऐसा। और ठंडा पानी जो एक हैंड पाइप से मिलेगा और सब मन एकदम नेचर, वाकई जो है कि प्रकृति में अगर कुछ चीजें बदलती हैं तो उसका असर हमारे स्वभाव पर भी होता है, बहुत ज्यादा होता है जो है। और इधर देखिए हवा बहुत ही शानदार चल रही है, कुछ हवाएं चल रही है, डालियां झूम करके आने वाले मौसम का स्वागत कर रही है। क्या कर दिया, कमाल हो गया। इधर बाल्टी जो है किधर टकरा गई, इधर फूल पौधे ये सारे के सारे इधर से उधर हो गए, ये भी अपने चक्कर में। ये देखिए बाल्टी मेरी इधर चली गई टकरा करके। दोनों बाने काफ़ी दिनों बाद वार है मेरी से वाह। मटका बिहार में चना का झोल बोला जाना, हम लोग का चना छोला लिट्टी छोला, इनका मटका बोला जाना महाराष्ट्र में। गजब गजब। तो ये कैसा लग रहा है, मैंने कि दोस्तों ये लोग जो है ना कि पोहा है, अब पोहा में फिर चने का छोला। चने का छोला नहीं, ये एक डिश मैं आपको बना के दिन खिलाऊंगी। अच्छा ये बताइए, आप लोग छोला के बात समझ लेंगे, लोला किसे कहते हैं? जुबान को लोला लोग बोलते हैं, तो लोलावा बिगाड़ दे, लोलावा खींच ले बराती से। कई लोग बोलते हैं, कई साथ बोलते हैं, ढेर इनका लोला चलेला, आई बड़ी ये है वो पागल है, सास थोड़े बोलते हैं, कोई बोल सकता है। नहीं जो गांव नहीं है वो किसी भोजपुरी फिल्म में मैंने फिल्म में भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बिहार की सास और बहू की एक्टिंग करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे कॉपीराइट की वजह से, तो उसमें ऐसा सा होता है, हम लोग देखते हैं लोला। अच्छा इससे एक और भी शब्द आता है इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि वो गोला मार दिया, तो इसका क्या अर्थ होगा? एब्सेंट हो गया, फिर ये भी तो हो सकता है कि गोला कर दिया है कहीं कहीं गोला। पहले का नाम गोला है, हमारे मामा है उनके बेटे का नाम गोला है, गोलावा। दोस्तों देखिए क्या है कि नाश्ता में तो मैं बहुत ही पौष्टिक चीज़ों में लेने की कोशिश करता हूं, और देखिए मैं तो यही किया था, दिखा रहा हूं आपको, किया था कि मैं खाऊंगा और वाकई ये बहुत ही मज़ेदार होता है खाना, लेकिन ये लोग देखिए ये चाऊमाऊ कर दिए। तो ये है बेटिया रानी की कहानी कि चाऊमाऊ जो है कि खाते खाते तो हमको भी करके पापा आप चाऊमाऊ खा लीजिए, तो वही थोड़ा सा है कि छुट्टियां चल रही हैं तो आदमी थोड़ा सोच रहा है कुछ ले ले, और ये पता नहीं। ये देखिए कोई हमारे शुभचिंतक जो है कि बहुत सारे लोग हैं, लोग ये पेड़ से जो है कि एकदम तोड़ा हुआ आम, एकदम चुआ हुआ, सब पेड़ पर काम है, बहुत शानदार, तो एकदम पेड़ से गिरा हुआ आम आ गया इतना सारा, तो हम लोग तो इसको लेंगे और खाएंगे। मैं तो अब चल रहा हूँ, तब चाऊ माऊ बाद में करेंगे, पहले इसी में से दो आम लेंगे, पहले इसी में चाऊ माऊ कर लेंगे तब फिर चाऊ माऊ लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, जिसने भी दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे शुभचिंतक हैं जिनके यहाँ मैंने बागीचा भी है, सब कुछ है, तो आम भी आपने देखा, और ये देखिए उनके गाय नहीं लग रही थी, अब गाय उनका दूध दे रहे, देखिए तो इतना सारा दही जो है कितने बड़े कमंडल में जो है कि दी है, और वैदिक के लिए देखिए दूध भी जो है कि जानी है लोग, वो जान गए लोग कि जो है कि दूध नहीं मिला है, तो वैदिक के लिए दूध ही भिजवा दिए,
तो इतना सारा जो है कि, तो इस तरह से सब लोग जो है कि व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग जो है कि यहाँ पर ये देखिए कुछ पेड़ की छटाई कटाई किए हैं क्योंकि बरसात आ चुकी है। और ये देखिए बैगन को, हाँ वहीं से काटिए वहीं से, तो बैगन को हम लोग जो है कि काट देंगे यहाँ से, तो फिर नया बैगन जो है कि बन जाएगा ये अपने उसमें जो है कि बरसात में जो है। तो ये इसको भी हम लोग काट छाँट रहे हैं और उसको ज्यादा तो मुरकाना नहीं है सिलेंडर आराम से, नहीं तो फिर वो टूट जाता है तो गड़बड़ा जाता है। हाँ काट करके उस तरह से हसुआ उसमें से निकाला जाओ ना खोल के। तो ये काम हम लोग आज कर रहे हैं ताकि बैगन भी जो है कि नया पौधा, ऐसे आप लोग कर सकते हैं कोई बैगन का पौधा हो तो उसको आप अगर काट देंगे बरसात के सीजन में इस तरह से, तो फिर वो नया वहाँ से पनक करके फिर नया हो जाता है। रंजू जो है कि अपने खेत के गेहूँ उन्होंने बोया था पिछले साल, उसको देखिए आँक रही हैं जिससे कि जो है कि इसमें से थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा, पानी की बचत होगी, तो निकल जाएगी तो कम पानी में धुला जाएगा जो है। तो इस तरह से ये इसको कर रही हैं, साफ सुथरा कर रही हैं। अभी हम लोगों ने छाट छूट करके थोड़ा छोटा किया। जीवन में भी हम लोगों की छटाई कटाई चलती रहती है, इस तरह से इसकी छटाई कटाई होती है वही मजबूत होकर के बाहर निकलता है। भाई हम लोगों गेहूँ भीग रहा है, जल्दी अरे कपड़ा सब फैलाओ, कपड़ा वपड़ा सब फैलाओ, जल्दी 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 देखिए दोस्तों बहुत बहुत जल्दी उठाओ। अरे सरल काम आना, रुको रुको तो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चारपाई उठाओ चारपाई चारपाई उठाओ, अरे जल्दी भीगे भीगे सफेद के मत सड़ो भीग जाएगा। ले चलो इधर चलो दोस्तों, बहुत गड़बड़ हो गया। ये देखिए सारे कपड़े हम लोग भीग गए और ये रंजू उतार रही है, इधर हम लोग भी लेकर जा रहे हैं ये। ओहो जल्दी जल्दी देखना इसी में ले चलो, रुक जाओ नहीं खुलेगा नहीं जाएगा इसमें हो जाएगा। तो ये चला गया दोस्तों, ओहो बहुत मुश्किल से हाँ गेहूँ बचा लिए हम लोग, बिकते बिकते तब भी गेहूँ बच गया। देख सकते हैं पापा भाग के गए हैं जल्दी से, बहुत बारिश हो रही है, तेजी से बारिश देख सकते हैं आप लोग बारिश। और ये देखिए वैदिक परेशान है बारिश में भीगने के लिए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और ये मैं इधर से दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी कपड़े, हम लोग भाग रहे हैं फिर इधर, भागो 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 भागो, बारिश अब छोड़ दो छोड़। और ये देखिए फ्रेंड्स लाडो को मजी आ रही है बारिश देख के, मजा आ गया, आओ आओ अली अली अली। और ये लाडो का खाना आ चुका है, क्या हुआ? और यहाँ से टकरा करके इन लताओं से होकर के जो हवा आ रही है ना, वह आत्मा को सुकून दे रही है, मन की बात तो छोड़िए आत्मा को सुकून दे रही है। और चूंकि हमारे यहाँ पिछले कई दिनों से लाइट है नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें और भी आनंद आ रहा है कि काश ऐसा ही मौसम कुछ दिन बना रहेगा तो हम लोगों को गर्मी से निजात मिलती रहेगी और किसान अपने खेतों में जो है कि फसल की बुआई कर सकेंगे। बहुत ही मजा है खिड़कियों से, क्या बताया जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं, अब आप लोग बात समझ सकते हैं दोस्तों की जो है कि आपका मकान ऐसे हो जो खेतों के बीच में, और जहाँ इस तरह से बारिश हो रही है कुछ दिनों में धान हरी हरे फसल हो जाएगी, फिर क्या पूछना, फिर वही हरियाली आएगी और ये पृथ्वी तृप्त हो रही है, आकाश उसको तृप्त कर रहा है और पूरे जीव जंतु मगन हो रहे हैं। और ये जो डांड या देख सकते हैं मेड़, तो मेड़ पर जो है कि जो घास हल्की हल्की दिखाई दे रही है, वह घासें जो है कि अपने कोपले में इस जल को लेकर के आनंदित हो। तो ये देखिए पानी यानी कि पूरी तरह से जलमग्न, शानदार बारिश, अब पूरा का पूरा फील्ड भरा हुआ, चारों तरफ जल ही जल, और यह पूरी तरह से आप्लावित कर रहा है मन को, भर दे रहा है मन को, जबरदस्त क्या कहा जाए, वाह 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 क्या गजब। दोस्तों अब स्कूल खुलने वाला है इसलिए गाड़ी को बनवाने पड़ रहा है, सब थोड़ा सा देख इसलिए चेकअप कराने के लिए लेकर के बलिया जा रहे हैं हम लोग, तो दोनों मैजिक आगे चल रहे हैं, एक मैजिक पीछे है और आज इसको बनवाएंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली इसमें जो है कि उसके पर्दे फट गए हैं तो पानी जो है कि चारों तरफ से जो है कि आ जाता है बरसात के दिनों में,
देखिए यहाँ पर कैरियर खोला गया, बड़ा मुश्किल से खुल नहीं रहा था, बहुत मेहनत किया गया था कैरियर खोला। ये मैं बहरी में जो है कि खड़ा हूँ यहाँ पर, और ये जो है कि सीट वोट यहाँ निकाल दिया गया है, और एक सीट उस पार वहाँ रखा गया है, देखिए वो सीट रखा गया है वहाँ पर, उस जगह वहाँ सिलाई चल रही है। अब इसमें से हम लोगों को इसका पट्टी काट करके जोड़ना है, तो ये सब जो है कि यहाँ पर जुड़ाई के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। कई घंटों से सब काम चल रहा है, आज पूरा दिन लग रहा है कि हम लोगों को इसी बहरी में गुजरेगा और सारा मेरा काम जो है कि होगा। फिर तो देखते हैं अभी गाड़ियों में क्या क्या अभी काम बचा रहता है, उसको हमें कराना है। जीवन बहुत व्यस्त है, सारा काम चल रहा है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सब काम हो रहा है, चल रहा है सारा काम, और चल रहे हैं। इधर बारिश काफ़ी हो गई है, धूप धूप के लिए तो और ज़्यादा जो है कि सब चीज़ें बदल गई हैं, मतलब धूप के कारण से बारिश उमस बहुत ज़्यादा हो गई है। चलने दूसरी गाड़ी की तरफ देख रहे हैं वहाँ। दोस्तों बरसात में इस तरह के रास्ते पर चलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मान लीजिए कि आप चल रहे हैं यहाँ से ऐसे, और किनारे कोई गाड़ी आ गई छपाक सीसी में गई, और आप किनारे पड़े हुए हैं, पता चला है कि आपके ऊपर पूरा पानी है, पानी भर गई, तो इसलिए बड़ा ध्यान देकर चलना पड़ता है। वो गाड़ी यहाँ खड़ी है सामने, सेना की गाड़ियाँ जा रही हैं दोस्तों। हम लोगों के सीट जो है कि देखिए नई नई तकनीक है, ऐसे करके लोग पहले सिलते थे, अब इस तरह से ये सीधे जो है कि लगा करके क्लिप उसको दबा दे रहे हैं, और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है कि तैयार हो जा रहा है। ये पुरानी वाली मैजिक है जो यहाँ खड़ी है, और इसका सारा काम जो है कि ऐसे चल रहा है। तो इस तरह से ब्लॉग समाप्त होता है, और सभी को मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ, और सबसे ये कहना चाहूँगा कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें, हर पत्नी पति का ध्यान रखें, बड़े लोग छोटों को स्नेह और प्यार करें, और छोटे लोग बड़ों की सेवा और सत्कार करें, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लेते हैं विदा, शुभ रात्रि।